अभी ये मेरे को हाई करने वाला है, हाई। सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है। सुबह से ये स्पा के ना मैं दो चक्कर लगा चुका हूँ, क्योंकि क्या है, सिर्फ स्पा से ही फिफ्थ फ्लोर से हम लोग पूल साइड का फ़ोटो और वीडियोस ले सकते हैं। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब, ठीक है ना? वेलकम टू माय न्यू चैनल, दैट्स राकेश द सेलर। अगर आपको लग रहा है कि मैं बस बिना कुछ तर्क के क्लिप्स को छोड़े जा रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के बदले या तो हम वीडियो को एंड तक फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर वीडियो को पूरा स्किप करके किसी दूसरे वीडियो को देखने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार बिना बिगनिंग और अंत के क्लिप्स भी कड़ी की तरह जुड़ जाते हैं। क्या आप तैयार है कड़ी जोड़ने के लिए? 1 बजे का दोपहर के, तो आप लोगों ने जल्दी 4 घंटा पहले निकाला, 4 घंटा नहीं 3 घंटा पहले निकाला ना। इंसान के लाइफ में ना प्रेशर की कोई कमी नहीं होती है। 10th के बाद शुरू हो जाते हैं कि कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया। 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। आप 27 का क्रॉस हो जाओ, शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है शुरू हो जाते हैं। और अभी हम लोग 30 के पार होते ही हम एक पॉइंट को लेके तो हेलबेंट थे कि हम बाली का नो विलेज वाला जो क्वाइट वाला एक जो साइट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे मॉडर्नाइजेशन के लिए। में ना ऐसे सब विलास बहुत फेमस है, लेकिन मैंने जानबूझकर विला बुक नहीं किया, क्योंकि रात में ना मैं और पूजा बहुत डर जाते हैं, और हमें चाहिए ऐसा रिजॉर्ट जो कि फुल हो। ऐसा कोई भी रिजॉर्ट जिसमें ना कुछ रूम्स एम्प्टी भी होते ना, तो वो भी रूम्स हमें नहीं पसंद आते हैं। तो विला में तो सवाल ही नहीं उठता कि हम रात गुजार सकते थे। कल जब हम फेशियल करने के लिए गए थे ना, वहाँ से जो हमने फिफ्थ फ्लोर से जो व्यू देखा था ना नीचे का स्विमिंग पूल का, तो बहुत ही मज़ेदार व्यू था। और मैं चाहता था कि मैं मॉर्निंग में, क्योंकि अभी हमारा चेकआउट करने का टाइम आ रहा है, तो मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में एक बार जाके मैं सेम व्यू को कैप्चर कर लूँगा। लेकिन स्पा ओपन नहीं है, और मैं नहीं जा पाया, वो बैल्कनी तक नहीं जा पाया। तो 2 बार मैंने चक्कर लगा लिए, दोनों बार बंद था। और एक्चुअली स्पा चालू होता है लेट, अराउंड 10 बजे के बाद, लेकिन अब मैं हमारा चेकआउट था 9 बजे, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएंगे। अब बस 5 मिनट में हमारा चेकआउट है। बैठे थे अपने गेट के आगे चुपचाप C1, और अचानक से वहाँ पे सन्नाटा छा गया था, और हमें पता भी नहीं कि क्या कर रहे हैं। और अभी जाके चेक किया तो हमारा गेट चेंज हो गया है C22। अच्छा हो गया वहाँ पे नहीं बैठे रह गए, नहीं तो मिस हो जाती फ्लाइट। इसको कुछ पड़ी नहीं है। अच्छा, पूजा अपने सीट से खुश नहीं है, उसने बोला कि पीछे की सीट्स मिल गई, हिलेगा वो। ओवर 20 मिनट्स फ्लाइट डिले, तो इनिशियली 50 मिनट्स का डिले ऑलरेडी हो चुका था, अभी और 20 मिनट्स का डिले। यार मतलब ये तो पेशेंस टेस्ट किए जा रहे हैं। सेकेंड डे जब हम ट्रैवल कर रहे थे, पूजा को अचानक से ना वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। तो इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद मोशन सिकनेस हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आई है, तो उसके कारण उसको नौशिया ऐसा फील हो रहा है। फिर अचानक उसको जो कार में प्योरीफायर था, एयर प्योरीफायर, उसका अरोमा भी नहीं पसंद आ रहा था उसको, एकदम अजीब सी स्मेल लग रही थी। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड तो वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, खाने की स्मेल से भी वो दूर भाग रही थी, तो है ना कुछ तो अलग लग रहा था। इन क्लिप्स को जोड़ती है
तीन चीज़ें, बाली, 20th November और वो तमाम मुश्किलें। जहाँ शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ना ही मैं 5th floor से रिजॉर्ट का व्यू शूट कर पा रहा था, ना ही तबीयत खराब होने के कारण पूजा एंजॉय कर पा रही थी, और ना ही डिलेड फ्लाइट्स हमारी जर्नी को आसान बना पा रही थी। मैं आया और इन लोग आ चुके थे तो मैं एक वीडियो बना सका। अगर मैं यहाँ पे नहीं आ पाता ना, आज सुबह से दो बार मैंने चक्कर लगा लिया था, दोनों बार बंद था। अगर मैं सुबह से नहीं आ पाता और मैं ऐसे ही चले जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। और अब मैंने ये कर लिया ना, अब मैं शांति से घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। थैंक यू रामाडा एंड फॉर, बहुत ही लवली एक्सपीरियंस था। लेकिन हमें क्या पता था, असलियत में सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही थी। वहाँ फ्लाइट डिले होने के कारण हम मुंबई की बिन मौसम बरसात को डॉच कर पाए। यहाँ न जाने क्यों स्पा नॉर्मल टाइम से पहले ही ओपन हो गया था, और पूजा की उल्टियों ने तो ये दो डरने का मतलब पॉजिटिव है क्या? मम्मी को तो बताएंगे। और अब फाइनली मेरा हाथ की सांस ले सकता हूँ। बाली से बहुत मीठी मीठी यादें लेके जा रहा हूँ मैं। लेकिन पुलिस देख के इसको कुछ वो नहीं है ना, प्रॉब्लम ये चला नहीं रहा है ना। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं रात को बॉम्बे की सड़कों में। अब ये मेरे को हाई करने वाला है, हाई। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है यहाँ पे है। बाय।